हेलो दोस्तों, मेरा नाम एकता है और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेले की भुजिया। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने करेले स्लाइस में काट लिए हैं। दोस्तों, मैंने इनको काट के आधे घंटे के लिए नमक डाल के छोड़ दिया था और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और करेले की भुजिया बनाने के लिए मैंने चार बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं, ऐसे लंबी स्लाइस में कटेंगे। तो चलिए करेले की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आधे छोटे चम्मच जीरा डाल दूंगी। देखिए, मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। 10 से 15 सेकंड तक ऐसे भून लें, गैस हमें मीडियम रखनी है। देखिए दोस्तों, जीरा जो है हमारा वो भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे जो प्याज है वो भूनने लगी है। हमें इस प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्की सी कच्ची रखना है। आप देख सकते हैं इसको 2 मिनट तक के लिए ऐसे छोड़ दें मीडियम गैस पे। देखिए जो हमारे प्याज है वो हल्की हल्की भून चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने करेले। देखिए मैं थोड़े थोड़े करके करेले डाल रही हूँ इसमें। देखिए गैस बिल्कुल हाई कर दीजिए। अब इसको 2 मिनट तक के लिए ऐसे ढक के छोड़ दें हाई फ्लेम पे। देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटा के इसको चेक करूंगी। ये देखिए हमारा जो करेले हैं उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अभी कुरकुरे होने लगे हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं मसाले। तो चलिए मैं इसमें मसाले, आधे छोटे चम्मच हल्दी, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधे छोटे चम्मच सूखा धनिया। तो चलिए इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। करेले हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी देर इसको भून के फिर इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था। तो इसको 2 मिनट तक और भूने ऐसे मसाले में। देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हम इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए अभी हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसको 2 मिनट तक के लिए और भूने और इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि जो हमारी भुजिया वो मिक्स। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो भुजिया है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ये जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए तो हमने गैस ऑफ कर देनी है। देखिए गैस हमने ऑफ कर दी है। तो अब मैं इसको एक बॉल में निकाल लूँगी। हमारे कुरकुरे करेले की भुजिया बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी और कितनी कुरकुरी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।